अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको कैप्शन से पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में है। ये उन तमाम लेडीज़ के लिए है जो मदर्स टू बी हैं, माँ बनने वाली हैं या फिर कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये बहुत बड़ा टैबू है यहाँ पर हमारे यहाँ, खासतौर पर हमारे कल्चर में प्रेगनेंसी के ऊपर बात करने को पता नहीं क्या समझा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में हमारी बहुत पुरानी पुरानी जो सिर्फ मिथ्स और चीज़ें चली आ रही हैं वही चली आ रही हैं। कोई इसके ऊपर ज़्यादा एजुकेट नहीं करता, कोई इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, बात करने की कोशिश नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी प्रेगनेंसी इतने अच्छे तरीके से गुजारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत एक अच्छी फ्लेक्सिबल प्रेगनेंसी मैंने गुजारी और मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। बहुत हेल्दी था मेरा बेबी भी और डॉक्टर शुरू से ही मुझसे बहुत खुश थी। जो मेरी गायनाकोलॉजिस्ट थी वो मुझे कह रही थी कि बेबी माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, उसने मुझे दूसरे तीसरे महीने में ये बात कह दी थी और थ्रू आउट वो चीज़ रही। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक हेल्दी और एक अच्छे वेट वाले बेबी को पैदा किया। अपने वेट को कम से कम रखते हुए बेबी का वेट मेरा काफ़ी अच्छा था, 7.5 पाउंड का मेरा बेबी था और मेरा सिर्फ 4 kgs वेट जो है, जो अपना वेट जो है वो बड़ा था। यानी टोटल मेरा 9 kgs वेट बढ़ा था पूरी प्रेगनेंसी में, जो कि एक बहुत अच्छी रेंज में आता है। और जिसमें से 4.5 kgs तो तकरीबन आप समझ लें कि डिलीवरी के बाद ही शेड ऑफ हो गए थे। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि प्रेगनेंसी को अगर मैं अपनी कंक्लूड करूँ तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत हेल्दी गुजरी। तो फिर मैंने सोचा कि इसका कोई तो फ़ायदा होना चाहिए, इसको अगर मैं सिर्फ अपने तक लेकर बैठ जाऊँगी कि मेरे क्या तजर्बे थे, उन तजर्बात को अगर मैं बाकी लड़कियों के साथ शेयर नहीं करूँगी तो ये ज़्यादती होगी। जो चीज़ें मैंने की हैं और जिन चीज़ों से मैंने परहेज़ किया और जो चीज़ें मैंने एक्टिवली की, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अच्छा, सबसे तो पहली बात यह है कि शुरू में नहीं पता होता, मुझे भी नहीं अंदाज़ा था। तकरीबन 1 महीने के बाद मुझे पता चला। तो जब मैंने अपना टेस्ट करवाया, जब कंफर्म हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उस वक्त मेरा 5th वीक था ऑलमोस्ट। तो उससे पहले का जो 1 महीना था वो काफ़ी हैक्टिक था, एग्जॉस्टिंग था, मुझे बहुत टाइर्डनेस और बहुत थकावट सी महसूस होती थी, लेकिन मुझे उस बात का अंदाज़ा नहीं था। तो एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि अगर आपकी प्लान्ड कंसेप्शन है, यानी कि आप प्लान करके बेबी, अगर आपको पता है कि आपकी शादी हो गई है और अब आगे आप जो है वो बेबी को कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर कुछ चीज़ों का जो है ना वो इंटेंशनली ख्याल आपको रखने की ज़रूरत है। जब भी आपको लगे कि कोई ऐसे सिम्टम्स हैं, कोई डिजीनेस है या आपकी तबीयत में कोई बहुत उतार चढ़ाव आ रहा है, तो आपको मैं मशवरा दूंगी कि एक तो आप फ़ौरन से डॉक्टर को दिखाएं, खुद घर पे कोई उल्टी सीधी चीज़ें करके या दवाइयां खा के उसको मैनेज करने की कोशिश ना करें। कभी कभी हमें कोई एलर्जी हो जाती है, तेज़ बुखार या कोई भी ऐसे कोई इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर आपका प्रेगनेंसी का स्टार्ट है और आपको पता ही नहीं है इस बात का, तो आपकी उस मेडिसिन से आपके बेबी को, जो फीटस है उसको बहुत सख्त नुकसान हो सकता है। क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में, पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ पैनाडोल यूज़ की थी और वो भी 3 या 4 दफ़ा। मैं माइग्रेन की पेशेंट हूँ, मुझे पिछले 12-13 साल से बहुत शदीद सवेर किस्म की माइग्रेन्स हैं और मुझे उसकी मेडिसिन लेनी पड़ती है, बहुत हैवी वाली। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अपनी प्रेगनेंसी में कोई माइग्रेन की मेडिसिन नहीं ली और उसको सिर्फ अपने लाइफस्टाइल के थ्रू मैनेज किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके अलावा और कोई दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पेश आई। क्योंकि जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस दिन से ही मैंने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लिया था। ऑलरेडी मैं बहुत क्लीन ईटिंग पर और हेल्दी लाइफस्टाइल पर थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला था तो मैंने उसको और ज़्यादा इन्हांस कर लिया था। उसी लाइफस्टाइल की कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पॉजिटिविटी होती है, स्ट्रेस को अवॉइड करना। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में, किसी ऐसी जगह पर कुछ ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं कर सकते या आप रोक नहीं सकते, कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप अपने बच्चे के लिए इतनी तो कोशिश कर सकते हैं कि आप उस चीज़ का असर अपने ऊपर ना लें। जो चीज़ें होनी है वो तो होनी है, जो लोग जैसे हैं वो तो हैं, जो माहौल जैसा है वो तो है, लेकिन आप ये कोशिश ज़रूर कर सकती हैं कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ज़हन के ऊपर, आपकी ज़ात के ऊपर ना ज़्यादा देर रहे। 5-10 मिनट का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, बुरा लगता है या कुछ भी, आपने अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल लेना है और वापस से पॉजिटिविटी की तरफ अपने आप को ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिश करनी है। दुआ की मदद लें, अल्लाह ताला से बात करें, अपने दिल का हाल उससे बयान करें, अपने इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा, कोई आपके माँ बाप बहन भाई में से, दोस्त में से, हस्बैंड में कोई तो ऐसा बंदा होगा जिसके साथ शेयर करने से आपका दिल हल्का होता हो। आप अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करें, कंसल्ट करें। आपको अगर कुछ डाउन ज़्यादा फील हो रहा है
इस तरह की सिचुएशन में हॉर्मोन्स बहुत अप एंड डाउन होते हैं, पीक पे जाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि नेगेटिविटी से दूर रहना है, स्ट्रेस से दूर रहेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रहेगी। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर बता रही हूँ, आपका बेबी बहुत हेल्दी रहेगा। अगर आप स्ट्रेस को अवॉइड नहीं करेंगी तो आप जो मर्ज़ी कर लें अपने साथ, जो मर्ज़ी खा लें, जो मर्ज़ी पी लें, जैसे मर्ज़ी अपने लाइफ को बना लें, आपको प्रॉब्लम होनी होनी है, ठीक है। और आपका वो सिस्टम नहीं रहेगा, आपको कोई ना कोई खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन निकल लिया है। ये सारा जो है ना वो हॉर्मोन्स का गेम होता है, तो आपने कोशिश करनी है कि रिलैक्स रहना है, पॉजिटिव रहना है, और जितना मुमकिन हो सके ख़ुद को आपने कम्फर्टेबल और रिलैक्स रखने की कोशिश करनी है अपने एडवेट के इन्वायरमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्दी ईटिंग, ठीक है। मैंने बहुत हेल्दी ईटिंग की थी, इन सेंस के मैंने पूरी प्रेगनेंसी में, मैं आपको बता रही हूँ, ये गलत बात होगी कि क्रेविंग्स नहीं होती, क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन वो आपके इख्तियार में होती हैं। आप उसको हेल्दी अल्टरनेट्स के साथ जो है वो एक्सचेंज कर सकते हो बहुत ईजीली। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में फुल टिका के मिर्चें और खट्टी और इस किस्म की चीज़ें मसालेदार खाते रहेंगे, तो यकीन करें आपके बेबी के ऊपर, आपके स्टमक के ऊपर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं आने वाला, और इवेंचुअली जो है वो बच्चे की सेहत पर इस चीज़ का असर होता है। और मैंने पर्सनली ये बहुत ज़्यादा फ्रूट्स का कंजम्पशन रखा था, बहुत ज़्यादा फ्रूट जूसेस की बात नहीं करी, सॉलिड फ्रूट्स की बात करी। फ्रूट्स मैंने सीजनल फ्रूट्स खाए थे, जो भी फ्रूट्स आते रहते पहले महीने, दूसरे, तीसरे, जैसे जैसे फ्रूट्स चेंज होते रहते सीजन वाइज, मैंने वो सारे फ्रूट्स इस्तेमाल किए थे। मैं कोशिश करती थी कि एक प्लेट बनाकर मैं दिन में ज़रूर उसको कंज्यूम करूँ, वही मेरा स्नैक होता था। और हर 2 या 3 घंटे के बाद, ये मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रही हूँ, पहले 3 महीनों में मेरी ये रूटीन थी कि मैं ज़रूर फ्रूट लेती थी, हर 2 से 3 घंटे के बाद थोड़ा सा फ्रूट का जो है वो पोर्शन ज़रूर खाती थी, या फिर मैं एक प्लेट बनाकर शाम में उसको थोड़े से पोर्शंस के साथ जो भी सीजनल फ्रूट्स होते थे उनको ज़रूर इस्तेमाल करती थी। तो फ्रूट्स का कंजम्पशन आपने ज़रूर रखना है, उसका आपके बेबी के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बाकी आप सब्ज़ी भी खाएं, गोश्त ज़्यादा कुछ लोगों का खाने पर दिल नहीं करता, कुछ का दिल करता है, बाकी की तबीयत आपकी, हर इंसान की अपने हिसाब से होती है, कोई भी एक जैसे पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकता। आप भी सेम मेरे पैटर्न को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपने करनी है, जो आपको करने की ज़रूरत है और आपने लाजमी करनी है। उनमें से 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक आपने स्ट्रेस नहीं लेनी है, दूसरा आपने हेल्दी ईटिंग करनी है। जो भी हेल्दी ऑप्शन हैं वो, पानी आपने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, फ्रूट्स आपने ज़्यादा खाने हैं, वेजिटेबल्स ज़्यादा खानी है, गोश्त जितना खा सकती हैं खा लें, जो ईजिली खा सकती हैं खा लें, प्रोटीन अगर गोश्त की फॉर्म में आप नहीं ले पा रही हैं तो अंडा इस्तेमाल कर लें अगर खाया जाता है तो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर ना करें, ज़बरदस्ती कुछ भी ना करें अपने साथ। लेकिन आप यकीन करें कि ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनको खाने से कोई तबीयत में ख़राबी नहीं होती, कोई मतली नहीं होती। आप खुद आजमा कर देख लें, कोई फ्रूट खाने के बाद आपकी मतली वाली कैफियत नहीं होगी, बहुत ठीक रहता है और बहुत अच्छा रहता है, बहुत फुलफिलिंग होता है। तो ये 2 चीज़ें आपने लाजमी करनी है। अच्छा, तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेगनेंसी का पता चलते ही बाज़ लड़कियों की, बाज़ औरतों की आदत होती है कि उसको अजीब सी एक बीमारी बनाकर अपने सर पे सवार कर लेती हैं, और बस उनको लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है, ये नहीं करना है, हिलना नहीं है, झूलना नहीं है। आपने एहतियात करनी है, आपने कोई झटका नहीं लगने देना, कोई जंप नहीं, स्टेयर्स को कम से कम यूज़ करने की कोशिश करनी है, और मतलब कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी हार्श रफ एक्टिविटी आपने नहीं करनी जिसकी वजह से खुदा न खास्ता आपके बेबी को नुकसान पहुंचे। लेकिन आपने खुद को बीमार बनाकर, मस्कीन बनाकर और अजीब सा वो करके, पेशेंट बनाकर खुद को नहीं बिठा लेना है। आपने कोशिश करनी है कि आप एक्टिव रहें, क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रहेगी, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा रहेगा, और इवेंचुअली वो आपके बेबी के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। आपने इसको एक बीमारी नहीं समझना, आपने इसको एक मतलब एक खुशी समझकर, इसको एक अच्छे तरीके से इसको जो है ना वो लेकर अपने लाइफ में चलने की कोशिश करें, एहतियात साथ साथ करें। लेकिन इसको आपने मतलब है बिल्कुल एक बिस्तर के ऊपर बैठ के, अनलेस कि आपको डॉक्टर ने कोई ऐसी चीज़ नहीं कही है, स्पेसिफिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आपने इसको बिस्तर पर बैठ के 4 वक्त की 3 वक्त की रोटी खाने वाली सिचुएशन नहीं बनानी। आप अपने छोटे मोटे काम खुद करें, जो चीज़ बनाने पर दिल करे वो खुद बनाएं, जो किसी के लिए बनानी है वो बनाएं। मैंने बहुत एक्टिव अपनी पूरी प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव गुजारी थी, मुझे नहीं याद कि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में कोई एक दिन भी ऐसा हो, सिंगल ऐसा दिन नहीं था जब मैंने बैठ के 2-3 टाइम की रोटी खाई, कोई भी ऐसा कभी मेरी हार्डली कोई तबीयत ऊपर नीचे हुई होगी तो शायद मैंने कुछ ऑर्डर कर लिया होगा या मुझे किसी ने लाकर कुछ दे दिया होगा बना हुआ। मैंने खुद जाकर खाना लेना होता था, खुद मैं अपना नाश्ता बनाती थी, हर चीज़ मैं खुद बनाती थी, जो मेरा दिल करता था मैं खुद कुक करती थी। और मैंने बहुत एक्टिव अपनी प्रेगनेंसी गुजारी है, इसको बिल्कुल कोई हवा बनाकर, कोई बीमारी बनाकर अपने सर पे सवार नहीं किया। उसकी वजह से मैं खुश भी बहुत रही हूँ, मैंने इसको एंजॉय भी बहुत किया।
तो मेन बात है कि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी में। बहुत मतलब खुश नसीब लोगों को अल्लाह ताला ये एक्सपीरियंस देता है, तो इसको आपने प्लीज़ खुशी खुशी अच्छे तरीके से इंजॉय करके गुजारना है। इसको एक बीमारी और एक ट्रामा समझ के ना गुजारें कि मैं तो जब प्रेगनेंट थी और आप सोच के ही उसको खौफजदा हो जाए। आपने इसे बहुत खुशी खुशी से गुजारना। अच्छा, चौथी बात मैं उन मिथ्स की करूँगी जो सुनी सुनाई बातें होती हैं ना बड़ों की, बड़ों की आगे से चली आ रही होती हैं। कुछ बातें उनमें से सच होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मिथ हैं जिनकी यकीन करें मेडिकली और प्रैक्टिकली जिनकी कोई वर्थ नहीं है, लिटरली कोई वर्थ नहीं है, सिर्फ सुनी सुनाई बात है। जैसे शाम के टाइम फलां चीज़ नहीं खानी, फलां चीज़ नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे फूड्स हैं जो एलर्जिक हो सकते हैं आपके लिए, जो आपको आपके डॉक्टर मना कर सकती है, ठीक है। या बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाली, जो बहुत ज़्यादा हाईली गर्म तासीर वाली चीज़ें हैं, वो में भी आपको खाने से मना किया जा सकता है स्टार्ट में। इसके अलावा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ये सब झूठ होता है। आप अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, थोड़े से पोर्शन में ड्राई फ्रूट्स, थोड़े से पोर्शन में दूध, प्रोटीन, हर चीज़ आप ले सकते हैं। अंडा आप खा सकते हैं, हर चीज़ आप खा सकते हैं, ठीक है। किसी चीज़ की ममानत नहीं होती है। हाँ, कोई एक्सेसिव चीज़ कोई भी नहीं आपने ज़्यादा खानी। अदरवाइज़ कोई ऐसा खुदा न खासा दुनिया में खाना नहीं, कोई ऐसा कोई ऑर्गेनिक चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक डिश की बात नहीं करी, यानी मैं नेचुरल चीज़ों की बात करूँ, जैसे गोश्त हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, अंडे हो गया, डेयरी की चीज़ें हो गई, चीज़ हो गई, जैसे मक्खन हो गया और ड्राई फ्रूट्स हो गए। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनी हुई जिसे खा के खुदा न खास्ता आपके बेबी को नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इस बात को अपने माइंड से निकालें। थोड़े से पोर्शन में आप हर चीज़ खा सकती हैं, सो आप थोड़ी थोड़ी हर चीज़ अपनी डाइट में रखें ताकि आपके ऊपर हेल्दी इफेक्ट आए। अच्छा, ये कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको फॉलो करना ज़रूरी होती हैं। बाकी सारी चीज़ें ज़ाहिर बात है एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उनकी मैं एक सीरीज़ बना कर ज़रूर साथ साथ अपलोड करती रहूँगी, सेकेंड ट्राइमेस्टर की, थर्ड की, और जितनी भी साथ साथ चीज़ें इससे रिलेटेड हैं वो सब मैं आपको गाइड करने के लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे अपने कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।